तो गाइज फाइनली यहाँ माइनक्राफ्ट ने माइनक्राफ्ट के 1.20 के न्यू अपडेट्स ला दिए हैं। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को, कैसे 1.20 आप खेल सकते हैं, न्यू अपडेट्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ देखने मिलेगा फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। और ये 1.20 अपडेट बेडरॉक एडिशन, जावा एडिशन एंड पॉकेट एडिशन सभी के लिए अवेलेबल है। सब कुछ बताऊंगा कैसे प्ले करना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोग बता दूँ, ये जो माइनक्राफ्ट का 1.20 है ये इस अपडेट के नाम से 1.19.50.21, पता नहीं इसको 1.20 क्यों नहीं नाम दिया गया है। अगर आपके पास ये वाला अपडेट नहीं है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको बता दूँ इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को 1.20 के जितने भी लाइव में दिखाया गया था सारे अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सारे कैरेक्टर्स के स्किन देखने को मिलेंगे जो कि माइनक्राफ्ट लाइव में आप लोगों को दिखाने को मिला था। यहाँ पर देख लीजिए टोटल यहाँ पर 9 कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, स्टीव और एलेक्स को मिला के। सनी है यहाँ पे, जूरी है, काई है, स्टीव है, एंड स्टीव यहाँ पे थोड़ा बदला लग रहा है, दाढ़ी मूंछ आ गई इसकी। आप लोग इस कैरेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पहला फीचर आप लोगों को ये देखने को मिल गया, न्यू कैरेक्टर्स। एंड हाँ, अगर हम लोग इसके अपडेट में जैसे कि एक्सपेरिमेंटल में जाके देखना चाहे इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका नाम कुछ अलग ही है। तो यहाँ से अगर मैं प्ले वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँ, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करूँ, तो यहाँ पे एक नया मेन्यू ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एडवांस वगैरह में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में जाऊँ तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा इस अपडेट का नाम, जो कि अच्छे से रिवील नहीं किया गया। ये देख सकते हैं नेक्स्ट मेजर अपडेट, बस यही लिख दिया गया है। तो आप लोगों को ये वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा तभी आप माइनक्राफ्ट के जितने भी 1.20 के मॉब्स ब्लॉक्स हैं उन सबके साथ प्ले कर सकते हो। तो ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना। इसके बाद सिंपली मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कंट्रोल मोड ये सब देखने को मिलेगा, जो कि जॉयस्टिक एंड यहाँ पे डिफॉल्ट अपना रख सकते हो। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, ओके, एंड यहाँ पे मैं अपना वर्ल्ड जनरेट कर लेता हूँ। तो गाइस तो यहाँ पे मैंने अपने वर्ल्ड में सब कुछ यहाँ पर रख लिया, जितने भी ब्लॉक्स हैं जितने भी मॉब्स वगैरह है सब कुछ यहाँ पर मैंने रख लिया। अपना आप लोगों को सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो इतनी सारी चीज़ें इस अपडेट में ऐड हुई है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बैम्बू के वुड सेट वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि नए नए ब्लॉक्स हैं। एंड बैम्बू यहाँ पर देख सकते हो, इससे आप लोग समझो कि वुडी टाइप का है, जिससे हम लोग फैंस, गेट, स्टेयर्स, बटन, बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा येलो कलर में डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक नया ब्लॉक हमारे में ऐड हुआ है एंड इसके डोर्स वगैरह देखो कितने मस्त है, एंड ये ट्रैप डोर्स वगैरह। एंड यहाँ पर मैंने विलेजर को भी पकड़ के रख लिया है। एंड यहाँ पर एक और चीज़, ये देखो हैंगिंग साइन बोर्ड, ये देखो हैंगिंग साइन बोर्ड हम लोग को देखने को मिला था। एंड यहाँ पर मैंने लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये हमारा प्यारा कैमल यहीं पे आके बैठ गया। कोई ना, आप लोग देख सकते हो जितने भी माइनक्राफ्ट के लाइव में जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगी। एंड इस सबको क्राफ्ट करने के लिए आप लोग बैम्बू से क्राफ्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड क्रिएटिव में हो तो अगर आप इवेंट्री में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी तो आप लोग इवेंट्री से भी ये सब निकाल के आराम से प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। प्लस यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को इस सब की रेसिपी नहीं बता रहा क्योंकि ये सब की रेसिपी आप लोगों को ऑलरेडी क्राफ्टिंग टेबल में देखने को मिल जाएगी। ये हैंगिंग साइन बोर्ड ये सब आप लोगों को क्राफ्ट करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पे ये काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में आते हैं, ये देख लो कितने सारे कलर्स में आप लोगों को ये हैंगिंग साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो कुछ ऐसे लग जाते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं यहाँ पे, इसको ग्लोइंग सैक से इसको ग्लो भी करवा सकते हैं जैसे कि आप लोगों को देखा ही होगा। एंड रही बात यहाँ पे आप लोगों को कैमल की, तो ये देखो कैमल हमारा कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, इसका एक स्पॉन एग आप लोगों को इन्वेंटरी में देखने को मिल जाएगा। और इसको टेम करने के लिए बस आप लोग कैक्टस खिला सकते हो और सैडल लग के इस पर राइड कर सकते हो, दो बंदों की स्पेस होती है। तो अभी तो मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी हाइट पे है यार, ये 2-3 ब्लॉक ऊपर ही है। एंड यहाँ पे मैंने एक सैडल रखा है, बस इसकी इन्वेंटरी में कुछ रखने के लिए है नहीं, यहाँ पे चेस्ट वगैरह रखना चाहिए ताकि हम लोग इस पर कुछ लोड कर सकें, अपने चेस्ट में से आइटम वगैरह रख सकते थे, तो काफ़ी अच्छा होता है। एंड यहाँ पर देखो एक और चीज़, यहाँ पर राफ्ट, ये देखो कितने सारे कैमल यहाँ पे मैंने स्पॉन कर दिए और ये बैठा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो राफ्ट भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और ये राफ्ट मैंने बैम्बू से ही बनाए। और अगर मैं कैमल को हटा दूँ, अरे हाँ कैमल को भी यहाँ से करने से कुछ मिलता नहीं है क्या? नहीं, बस एक्सपी मिल रही है, ओके। और ये देखो राफ्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बैम्बू टाइप का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी मस्त है। और ये देख रहे हो यहाँ पे राफ्ट विथ बोट भी है, बोट की तरह ही है सिंपली। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, अगर मैं इस पर बैठना चाहूँ तो कुछ ऐसे बैठ सकता हूँ। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार, इस पर शायद हम लोग दो ही बंदे बैठ सकते हैं, ये दो या एक ही बंदे बैठ सकते हैं शायद। यहाँ पे मैंने चेस्ट रखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है और स्मूथली भी चल रहा है। और रही बात इसमें आइटम रखने के लिए, तो आइटम मैं कुछ ऐसे रख सकता हूँ, एक सेकेंड, आइटम रखना होगा तो क्राउच करके मैं रख सकता हूँ शायद।
ऑप्शन आ जाए, अरे ऑप्शन नहीं आ रहा, ओके आया आया। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई भी आइटम आराम से प्लेस कर सकता हूँ। तो ये देखो कितने सारे आइटम्स यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि यहाँ पे पहले तो बोट आया था, फिर उसका बोट विथ चेस्ट, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ आ गया, जो कि काफ़ी मस्त है। यानी यहाँ पर सिंपल वाला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, पता नहीं इस पर दो बंदे बैठ सकते हैं कि नहीं, अभी तो मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला ही बैठा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये देखो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, और इसको क्राफ्ट करना भी बहुत ईजी है, बैम्बू से आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक मतलब ब्लॉक कह सकते हैं, आइटम है, काफ़ी अच्छा आइटम है। और हाँ, एक और चीज़ जो कि आप लोगों को पता है क्या है, वो है न्यू बुक सेल्फ, जिसमें हम लोग अपनी किताबें रख सकते हैं, एन्चेंटेड बुक्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और ये काफ़ी मस्त है। यहाँ पर मैंने बुक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो यहाँ से एक निकालता पहले, ये देखो, ये देख लो यहाँ पे खाली स्पेस पे कुछ ऐसा रखता है, और अलग अलग कलर के यहाँ पे है। तो आप लोग ऐसे बुक्स अपने स्टोर कर सकते हो बुक सेल्फ में, और यहाँ पे नॉर्मल बुक भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल बुक कुछ ऐसे, ये देखो सब अलग अलग कलर में रखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। और हाँ, अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो आपके सभी बुक्स बाहर निकल जाएंगे, ये देखो कुछ ऐसे। और यहाँ पर खाली वाला प्लेस करो तो ये देखो खाली वाला कुछ ऐसे प्लेस होता है, और आराम से इसमें आप अपना बुक्स वगैरह जितने भी कुछ है स्टोर कर सकते हो, जो कि काफ़ी मस्त है। एंड यहाँ पर मैंने एक हैंगिंग साइनबोर्ड भी लगा रखा है। एंड यहाँ पे देखो ये कैमल भाई कितना बड़ा है यार, कैमल तो यार लगभग ये 2-3 ब्लॉक का है, तो आप लोग इसको आराम से, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी स्लो लगी यार मेरे को, पता नहीं क्यों, शायद इसको कुछ खिलाना वगैरह होता है, तो अभी आप लोग इसकी स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो। खैर काफ़ी अच्छे आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे न्यू फीचर्स एंड काफ़ी सारे ब्लॉक्स मॉब्स बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से प्ले कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं अगर इसको कैक्टस खिलाऊँ, कैक्टस से आप लोग इसको टेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर मैं टेम कर दूँ दोनों को, तो यहाँ पे हम लोगों को एक बेबी कैमल देखने को मिल सकता है, मे बी। ओके बहुत टाइम लग रहा, आ जा भाई। ओके आगे आगे, वो देखो बेबी कैमल, जो कि एक ब्लॉक का है, ये देखो कितना मस्त। और ये ऊपर क्यों देख रहा, अच्छा कैक्टस रखा ना इसीलिए ऊपर देख रहा, और ये देखो कितना मस्त लग रहा है, और इसके एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे को तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगा, ये कैमल। अभी तो ये बीटा में चल रहा है, जी हाँ अभी ये बीटा है, लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तो वो भी ऑफिशियल में अपडेट आप लोगों को बता ही दूंगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, अभी ये बीटा में आ गए, बहुत जल्दी यार बीटा जा गए। ये देखो कुछ दिन पहले ही माइनक्राफ्ट का लाइव हुआ था, अभी बीटा जी स्नैपशॉट ये सब आ गए हुए हैं, तो ये सब पे है। जैसे कि आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हो तो स्नैपशॉट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हो तो आप लोगों को बीटा जन प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, बेडरॉक एडिशन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सभी जगह देखने को मिल जाएगा। तो आराम से आप लोग प्ले कर सकते हो, अपने माइनक्राफ्ट को अपडेट कर लेना, आप लोगों को ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आराम से आप प्ले कर सकते हो। एंड मेरे को इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कैमल, राफ्ट एंड ये न्यू बुक सेल्फ, ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बस इस कैमल की स्पीड यार थोड़ी सी स्लो है, ये देखो। एंड यहाँ पे इसकी जंप भी बहुत हाई है यार, जंप तो बहुत अच्छी अच्छी मारता है ये, मे बी आगे आने वाले अपडेट में इसमें थोड़ी सी स्पीड वगैरह ये सब बढ़ जाए, और इसमें यार एक चेस्ट लग जाए कैमल में तो और मज़ा आ जाएगा, चेस्ट लग जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी यार पसंद आई है ना, तो यार लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी ही नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।